नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इवोल्यूशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल एंड इरिवर्सिबल चेंज इन द ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इवोल्यूशन। ग्रेजुअल ग्रेजुअल होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, स्लो प्रोसेस। इरिवर्सिबल ऐसा नहीं है कि ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब क्या, धीरे धीरे छोटा छोटा चेंज होना चाहिए, छोटा छोटा चेंज होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो चेंज हुआ है ये चेंज फिर दोबारा वापस हो जाए, उसी कंडीशन में आ जाए। द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल, ग्रेजुअल छोटा छोटा हो, और दूसरा क्या है, इरिवर्सिबल हो, मतलब ये कॉन्टिन्यूस एक ही डायरेक्शन में बढ़ता चला जाए, आगे की तरफ बढ़ता चला जाए, आगे की तरफ ये बढ़ता चला जाए। अगर वो फिर से उसी कंडीशन में आ गया, मतलब रिवर्सिबल हो गया, फिर से वापस उसी कंडीशन में आ गया, तो वो चेंज कहाँ रह गया फिर? वो चेंज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, तब प्रतिशत क्या हो जाएगा? ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक, इतना लंबा कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं इवोल्यूशन में। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का, एडवांस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। क्या होता है इसमें, इस जब चेंजिंग होती है तो वो चेंज कहाँ होना चाहिए? वो चेंज होना चाहिए डीएनए में। कहाँ होना चाहिए? डीएनए में, या क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में ही डीएनए होता है, या जीन में, ठीक है? तो क्रोमोसोम में या डीएनए में या जीन में वो चेंज होना चाहिए, ठीक है? तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये एक स्लो या ग्रेजुअल प्रोसेस है जो धीरे धीरे होता है। दूसरा, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये रुकता नहीं है, ये रुकता नहीं है। और तीसरा, ये इरिवर्सिबल है, ये नहीं कि ये अगर इधर थोड़ा सा हुआ चेंज हुआ तो फिर दोबारा इस तरह से कंडीशन आ जाए, नहीं, ये नहीं होगा। और चौथा, एक्युमुलेशन ऑफ कैरेक्टर्स, जो चेंज हो रहा है वो कैरेक्टर्स चेंज होता रहेगा, वो इकट्ठे होते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो चेंज गायब होता रहे, वो जो चेंज हो रहा है वो चेंज इकट्ठे होते रहेंगे। सपोज जैसे मान लीजिए कि एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसको ऐसे समझिए, ये एक डॉट है, ये एक बिंदी है, और इस बिंदी में थोड़ा सा चेंज हुआ तो एक लाइन बना, ये थोड़ा सा और चेंज हुआ तो एक और लंबा हुआ, और थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ा सा और लंबा हुआ, थोड़ा सा और लंबा हुआ, थोड़ा सा और लंबा हुआ, धीरे धीरे ये चेंज होता जा रहा है। देखिए धीरे धीरे हो रहा है, अचानक से एक साथ इतना लंबा नहीं हुआ। दूसरा, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है तभी ये लंबा हुआ है। तीसरा, इरिवर्सिबल है, अगर ये रिवर्सिबल होता तो क्या होता, थोड़ा सा चेंज हुआ तो फिर दोबारा इसी स्थिति में आ जाता, मतलब इसकी साइज बढ़ नहीं पाती। और फिर इसके बाद एक्युमुलेशन ऑफ कैरेक्टर्स, एक्युमुलेशन ऑफ कैरेक्टर हुआ, इसमें क्या हुआ, देखिए पहले थोड़ा सा ये लंबा हुआ था, फिर थोड़ा सा और लंबा हुआ, 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 अब देखिए थोड़ा सा इसमें चेंजिंग हो गई, फिर ये इस तरह से टर्न कर गया, थोड़ा सा और चेंज हो गया, फिर इस तरीके से हो गया, थोड़ा सा और चेंज हो गया, फिर इस तरीके से हो गया, फिर इस तरीके से हो गया, ये चेंज हो गया। तो देखिए ये इवोल्यूशन हुआ, ये विकास हुआ, धीरे 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 करते करते विकास हुआ। इसको हम एक तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक्युमुलेशन ऑफ कैरेक्टर्स, इसको ध्यान दीजिए, जैसे वन एक में एक जोड़ा जाए तो दो होता है, दो में एक जोड़ा जाए तो तीन होता है, तीन में एक जोड़ा जाए तो चार होता है,
ऐसे ही करते करते 99 में एक जोड़े तो 100 होता है। सब में थोड़ा थोड़ा सा ही जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया, एक जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया है, एक एक ही जोड़ा गया है हर जगह। और वो एक धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते कितना हो गया, 100 का हो गया। जैसे दो में एक, एक में दो, एक जोड़ा गया दो हो गया, मतलब दो में एक का कितना कम है, एक कम है। तीन में दो से कितना कम है, एक कम है। चार में तीन से कितना कम है, एक कम है। उसी तरीके से 100 से 99 में कितना चेंज है, एक का चेंज है। दो में एक का कितना चेंज है, एक का चेंज है, कोई चेंज नहीं है, दिखता नहीं है वो चेंज। तीन में एक का, दो का चेंज है, कितना चेंज है, एक का चेंज है, वो दिखेगा नहीं। चार में कितने का चेंज है, वो एक का चेंज है, वो दिखेगा नहीं। सौ में निन्यानवे का, सौ में निन्यानवे में कितना चेंज है, निन्यानवे से सौ में, या सौ में निन्यानवे से कितना चेंज है, एक का चेंज है, वो दिखेगा नहीं। लेकिन एक में सौ का चेंज है, कितना चेंज है, निन्यानवे का चेंज है, वो दिखेगा। मतलब ये जो एक है और ये जो निन्यानवे सौ है, इसके बीच में निन्यानवे का डिफरेंस हो गया। ये जो एक 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 इकट्ठा होता चला गया, एक्युमुलेट होता चला गया, वो कैरेक्टर्स वो निन्यानवे हो गए। एक ही कैरेक्टर्स में वही जो चेंजिंग आती गई वो कितनी होती चली गई, वो बहुत ज़्यादा होती चली गई, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, अब वो दिखने लग गया कि हाँ इसके अंदर चेंजिंग हुआ है। इस तरीके से इवोल्यूशन होता है। ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट है, क्या चीज़ें, स्लो होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, इरिवर्सिबल होना चाहिए, और एक्युमुलेशन ऑफ कैरेक्टर्स होना चाहिए। तो वेरिएशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वेरिएशन क्या होता है, देखिए जब भी एक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा तो वेरिएशन होगा ही। हम लोग इसको जेनेटिक्स के पहले दिन के चैप्टर में, हम लोग इसको वीडियो में देख चुके हैं। तो क्या होता है वेरिएशन, थोड़ा सा फिर से रिवाइज करते हैं कि द डिफरेंसेस ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स टू देयर पेरेंट्स इज नोन एज वेरिएशन। बच्चों का ऑफस्प्रिंग्स, बच्चों का अपने माता पिता से असमानता प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, वेरिएशन, विभिन्नता कहलाता है। और यही वेरिएशन, यही विभिन्नता इकट्ठा होती चली जाती है, इकट्ठा होती चली जाती है, इकट्ठा होती चली जाती है, और क्या वो करती है, इवोल्यूशन कॉज करती है। ये वेरिएशन दो तरीके के होते हैं, सोमैटिक वेरिएशन एंड जर्मिनल वेरिएशन, सोमैटिक वेरिएशन एंड जर्मिनल वेरिएशन। ये जो वेरिएशंस हैं, ये वेरिएशन दो तरीके के होते हैं, एक सोमैटिक वेरिएशन और दूसरा जर्मिनल वेरिएशन, सोमैटिक वेरिएशन और दूसरा जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन, सोमैटिक, सोमा मीन्स बॉडी, ये कहाँ होता है, ये जितने भी चेंजेस आते हैं, ये चेंजेस कहाँ आते हैं, ये बॉडी के, ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में आते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होते। जैसे एक एक सिंपल साधारण आदमी ने क्या किया है, वर्जिश किया, एक्सरसाइज किया, और उसने अपने मसल्स को स्ट्रांग कर ली, अच्छी सी बॉडी बिल्डिंग बना ली, लेकिन वो उसके बॉडी में चेंज आया, उसके जीन में वो चेंजिंग नहीं आया, उसकी जीन नॉर्मल जीन वाली ही रही, मस्कुलर बॉडी वाली नहीं रही, तो क्या हो गया, वो इनहेरिटेबल रहा, नॉन इनहेरिटेबल रहा, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो फैक्टर, वो कैरेक्टर ट्रांसफ़र नहीं हुआ। और जब वो ऑर्गेनिज्म ख़त्म होता है, डेथ हो जाती है, तो उसके साथ साथ वो कैरेक्टर भी ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से ये जो वेरिएशन होता है, ये वेरिएशन एक सिग्निफिकेंट रोल इवोल्यूशन में प्ले नहीं करता है, ठीक है। दूसरा होता है जर्मिनल वेरिएशन, और ये जर्मिनल वेरिएशन जब भी ये चेंज होती है तो उसके जेनेटिक लेवल पर होती है, और जेनेटिक लेवल पर होने के कारण वो चेंजेस क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है, और उस वेरिएशन की वजह से वो वेरिएशन धीरे 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 एक्युमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, और एक बड़ा वेरिएशन कॉज करता है, और जिसकी वजह से इवोल्यूशन होता है। इसीलिए जर्मिनल वेरिएशन इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जेनेटिक वेरिएशन को रिस्पॉन्सिबल करते हैं, तो पहला है म्यूटेशन।
इधर कुछ फैक्टर्स हैं, म्यूटेशन है, जीन रिकॉम्बिनेशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आइसोलेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है। तो ये फैक्टर्स हैं। सबसे पहला आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन मीन्स सडन चेंज इन द जेनेटिक कॉम्पोजिशन इज नोन एज म्यूटेशन। जीन में अचानक से हुए परिवर्तन को जीन कम जेनेटिक मटेरियल में अचानक से सडन, ये कंडीशन है, ये याद रखे रहिएगा, सडन चेंज होना चाहिए। अगर वो नॉर्मल चेंज हो गया या स्लो चेंज हो गया तो म्यूटेशन नहीं होगा। सडन चेंज इन द जेनेटिक कॉम्बिनेशन इज नोन एज म्यूटेशन। दैट क्लियर? जीन रिकॉम्बिनेशन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उस समय नए नए जीन आपस में एक दूसरे के पास आते हैं। जब क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आते हैं जब क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आते हैं तो ये क्रोमोसोम एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, और जब ये क्रोमोसोम एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं देखिए, ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम के डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। देखिए इंटरैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या होती है, ये सेगमेंट आपस में एक दूसरे से चेंज कर लेते हैं। जब ये सेगमेंट आपस में एक दूसरे से चेंज कर लेते हैं तो ये सेगमेंट यहाँ चला जाता है और ये सेगमेंट यहाँ चला जाता है। तो इस तरीके से एक नया जीन कॉम्बिनेशन बन जाता है, ये देखिए, ये सेगमेंट जो यहाँ पर था वो यहाँ से उठ करके यहाँ चला गया, और ये सेगमेंट जो यहाँ पर था वो उठ करके यहाँ चला गया। तो इस तरीके से नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बैठ गया, और इसको कहते हैं जीन रिकॉम्बिनेशन। यह क्रॉसिंग ओवर के थ्रू होता है। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर के थ्रू। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जब दो पार्टनर मेल और फीमेल, दो पार्टनर अलग अलग इन्वॉल्व हुए तो नए नए जीन कॉम्बिनेशन एक दूसरे के पास आएंगे। जब नए नए जर्म प्लाज्म एक दूसरे के पास आएंगे तो नया कॉम्बिनेशन बैठेगा, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसकी नए नए जीन कॉम्बिनेशन आएंगे तो नए नए वेरिएशंस आएंगे, नए नए चेंजेस आएंगे, नए नए चेंजेस आएंगे तो फिर क्या होगा, नए नए चेंजेस आएंगे तो नया नया इवोल्यूशन होगा। नेक्स्ट है आइसोलेशन। जब भी हम उसमें बैरियर की तरह से कोई भी किसी भी तरीके का बैरियर हम क्रिएट करते हैं तो आइसोलेट कर देते हैं, ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, जिसके कारण उनके अंदर उनके सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल चेंजेज आ जाते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर में चेंजिंग आ जाती है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में चेंजिंग आ जाती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। आइसोलेशन की वजह से ये चेंजिंग आती है, तो ये भी एक नया वेरिएशन कॉज करने में हेल्प करता है। और नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जब किसी पॉपुलेशन में जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है तो जब किसी पॉपुलेशन में जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, जब मतलब कई लोग आए और कई लोग गए, किसी भी एरिया से कोई पॉपुलेशन, कई लोग आए और कई लोग जाए, तो उसकी वजह से वहाँ पर क्या हो जाती है, वहाँ की जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, या सडन वहाँ पर जीन का नंबर ऑफ जीन्स बढ़ गए या नंबर ऑफ जीन्स घट गए, तो उसकी वजह से भी जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है, और ये भी इवोल्यूशन कॉज करने में हेल्प करता है। तो ये फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेनेटिक वेरिएशन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने इतने पॉइंट्स को हम लोगों ने स्टडी किया कि व्हाट इज इवोल्यूशन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स ऑफ द इवोल्यूशन, व्हाट इज वेरिएशन, हाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, and factors responsible for the genetic variation.
नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।